सैटरडे टुडे और अभी 3 दिन की लगातार छुट्टी है, तो हमने प्लान किया है कि हम लोग जा रहे हैं बोध गया, तो वहाँ एक रिजॉर्ट है. व्हाट इज द नेम ऑफ द रिजॉर्ट गाइस? नसारा सरोवर. सो वी आर गोइंग टू स्टे फॉर वन नाइट देयर और आपको पूरा रिजॉर्ट का ट्रिप देंगे हम लोग, वो आपको शो करेंगे. तो कंटिन्यू विद मी इन माई ब्लॉग. निकले थे हम लोग 8 बजे और पहुंचे हैं हम लोग राइट 10:45. फाइनली वी हैव रीच्ड और बहुत ज़्यादा हरासमेंट नहीं हुआ और बहुत ईजिली भी मिल गया. और यहाँ पे सीरियसली इट्स वेरी रिलैक्सिंग, द होल रिजॉर्ट इज़ वेरी रिलैक्सिंग. यू कैन सी, यू नो, मम्मी इज़ कॉलिंग. सो यू कैन सी अभी वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आर रूम और बस कल हम लोग निकलेंगे. आज जो घूमना है या यहाँ पे स्टे करना है वो करेंगे, थोड़ा बहुत देखा जाएगा. एंड टुमारो वी लीव, सो आई विल गिव यू द होल व्लॉग. सो कैन सी द रूम्स, टेकन टू रूम्स, यू नो, आई शो यू द होल रूम, यू नो. क्योंकि सुबह से हम लोग निकले हुए हैं और काफी भूख लग चुकी है बच्चों को. Oh boy, you'll fall. Come. So guys, giving you the tour, whole tour. इधर है the dining area, is this side. So we are going towards that. और उधर से शायद हम लोग आए थे. हाँ, उधर से हम लोग आए थे. That is the outside. And let's go inside. देखते हैं क्या है खाने. अभी वी आर इन द डाइनिंग एरिया एंड द होल थिंग इज एम्प्टी हियर. एंड अभी हमने ऑर्डर किया है, अभी इट्स लाइक 12 o'clock, पास्ता एंड बर्गर. और इफ़ यू कैन, यू नो, लिसन टू द म्यूज़िक जो इन्होंने बैकग्राउंड में प्ले किया हुआ है, दैट मेडिटेशन वाला म्यूज़िक है और बहुत ही कामिंग एंड सूदिंग है. तो रिजॉर्ट के अंदर से बाहर निकलने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है.
और देखते हैं कि कब हम लोग निकलते हैं। आई थिंक सो इवनिंग में थोड़ा बहुत निकलेंगे या तो कल निकलेंगे। लेट्स सी। So guys, finally the food has arrived. So guys, we are going to the pool. You can see this. So beautiful. इतना पीसफुल है ना यहाँ पे, वेरी पीसफुल। लेट मी शो यू द होल व्यू। अच्छा यहाँ पे पूल भी है, स्पा भी है और जिम भी है एज यू कैन सी। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द स्पा। स्पा इधर ही है पापा, जिम इज हेयर ओनली। ये आई थिंक सो लाइब्रेरी था जिस जिधर से हम लोग आए थे, एंड जिम इज हेयर एंड स्पा इज हेयर। सो चार्जेस वगैरह स्पा का भी मुझे पता नहीं, मैं पता करके आपको बताऊँ। एंड हियर इज द चेंजिंग रूम, देयर आर द रूम्स दैट साइड। Let's go in the wellness spa. So guys, हमारे साथ हैं मैडम, यहाँ आइएगा तो ये आपको रिसीव करेंगी इन द वेलनेस स्पा। सो शी विल टेल यू कि यहाँ पे कैसे कैसे स्पास हैं और इनका क्या प्राइसेस वगैरह और क्या आप आके करा सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मैडम से समझते हैं किस तरह का, कितने वराइटीज ऑफ यहाँ पे स्पा है। हमारे यहाँ पे वेलनेस का डिफरेंट टाइप ऑफ मसाजेस है, ट्रीटमेंट्स है, जैसे कि टिबेटन है, फ्यूजन है, डीप टिश्यू है, और टिबेटन फेशियल भी है हमारे पास। okay. और बैक मसाज, शोल्डर मसाज, ये सब भी है, हेड मसाज भी है। स्पेशली हम लोग जैसे फ्यूजन करते हैं उसमें हम लोग हॉट रॉक सॉल्ट का पोटली देते हैं। अच्छा हाँ, वो बहुत रिलैक्सिंग होता है, फेमस भी है बहुत, रॉक सॉल्ट वाला मुझे बोल। हाँ, और जैसे कि हम लोग जब स्टार्ट करते तो हम फुट रिचुअल भी देते हैं। okay. जो कि बहुत अच्छा होता है देखने में, क्योंकि सब फ्लावर्स के पेटल्स वेटल्स डाल के हम लोग रेडी करते हैं। अच्छा, तो कभी भी गेस्ट अगर आए तो यहाँ विजिट कर सकते हैं। श्योर। और ये रेंज क्या है मैम यहाँ पे स्पा का? हमारा स्पा रेंज है 3500 प्लस टैक्स है। प्लस टैक्स? हाँ जी। ओके, और फिर और टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर की? मॉर्निंग 10 to 8 o'clock। ओके, और स्पा का ड्यूरेशन क्या है, मतलब डिफरेंट स्पास का डिफरेंट ड्यूरेशन है? 80 मिनट्स भी ले सकते हैं। ओके, वो डिपेंड करता है ना। ओके ओके, थैंक यू मैम। सो गाइज, अभी हम लोग सारा स्विमिंग वगैरह करके उठे हैं अराउंड अबाउट 8 o'clock, और थोड़ा बाहर निकले हम लोग यहाँ व्यू लेने के लिए और थोड़ा टहलने के लिए। सो आई विल गिव यू